तो गाइज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग सारासर बालाजी और खाटू श्याम जी के दर्शन करके आ गए थे। अब हम लोग आए हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने, तो यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने हम लोग चाहिए बालाजी के दर्शन करने के बाद थोड़ा खा पीएंगे और निकल जाएंगे अपने घर के लिए ग्वालियर के लिए। आज 13 अगस्त हो गई है, आज 13 अगस्त हो गई क्योंकि आप लोग को पता है संडे है, हम लोग आज ही निकल जाएंगे क्योंकि कल से तो हमारी स्कूल भी है ना। फिर यहाँ पर देखिए पीछे कितनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है, हम ये सीधी तो नहीं दिख रही हमें यहाँ से, लेकिन अच्छे व्यवसाय हैं इसको देख के। और हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे सब रुके हुए हैं और अभी बालाजी के मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा पास में है, तो हम लोग जल्दी से नहा धोते हैं निकलते हैं। मैं तो नहा लिया हूँ, बस सबको नहाना है फिर हम लोग निकलते हैं। सीधे लोग निकल रहे हैं यहाँ से चाय है पीने, सब लोग अभी तो पूरे लोग वो ही नहीं है, कमरे में लॉक वॉक लगा के निकलते हैं सीधे मंदिर के लिए। पहले तो चाय पीएंगे फिर मंदिर के लिए निकलेंगे। पीने बैठे हैं हम लोग अभी, चार बजे लेकिन मंदिर खुलता है 7 बजे जितना मेरे को पता चला है अभी तक। और अभी हम लोग अंदर जाएंगे, यहीं से इतनी भीड़ लगने लगी, मंदिर बगल में ही है उधर वो मंदिर है, तो देखते हैं जल्दी से मंदिर के अंदर चलते हैं। अभी हमने चाय पी लिए सबने यहाँ पे बैठ के, अभी आँख ऐसे भी कम लोगों से अभी फिर हम लोग और भी लोग हैं वो लोग चाय पिए फिर चल रहे हैं। तो सामान अपना गाड़ी में निकल रहा है मंदिर के लिए, सब लोग चलते हैं मंदिर की ओर सीधे। बहुत भीड़ हो गई है आज सुबह, आज क्योंकि संडे भी है तो लोगों की छुट्टी रहती है तो सब इतना आ गए हैं, बहुत भीड़ हो गई। बहुत भीड़ है यहाँ पे, एक बार दिखा देता हूँ आपको भीड़, देख लीजिए कितनी भीड़ है। अब हम लोग वहाँ पे सब जगह प्रसाद वसाद मिल रहा है, प्रसाद लेते हैं और फिर चलते हैं, ठीक है। प्रसाद वसाद मिल रहा है, मालाएँ श्रृंगार श्रृंगार सब कुछ ले रहे हैं प्रसाद वसाद।